अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तलाशी लो इसकी। कहाँ है बटवा? तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सफाई बस इतनी हुजूर कि अब की बार सफाई से चोरी नहीं कर सका और धर लिया गया। लेकिन कसूर मेरा नहीं हुजूर, ये तो आप ही लोगों की मेहरबानी है। मैंने जब से होश संभाला अपने आप को यतीम पाया और ये दुनिया वाले मुझे हराम की औलाद कह के गालियां देते रहे। इतनी गालियां सुनी कि मैं वाकई हरामी बन गया। लेकिन कौन नहीं चाहता कि इज्जत की जिंदगी बसर करे। अब आप ही कहिए जज साहब, अगर मैं आपके पास नौकरी मांगने आता तो क्या आप मुझे नौकरी देते? नहीं जज साहब, आप भी औरों की तरह मुझे लावारस, अनाथ और आवारा समझकर शायद मुझसे थोड़ा डरते कि कहीं मैं आपके घर में चोरी न कर बैठूं। बस माई बाप, इतनी सी अपनी कहानी है। अब आपका जितनी देर के लिए जी चाहे अंदर भेज दीजिए। तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, इसलिए अदालत तुम्हें 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा देती है। क्यों मैं लूले, ठंड पड़ गई कलेजे में? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर मुझे पकड़वाया क्यों? मेरा फर्ज था। फर्ज? हाँ, हर शहरी का फर्ज है कि पुलिस का हाथ बटाए और कानून की मदद करे। शुरू कर दिया? दरका साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं पहले दिन आया तो गालियां धनुष जमानी शुरू कर दी, मैं चुप रहा। आज तो मामैन की गाली दे दी, दांत तोड़ दिया मैंने उसके। अब साला बोलोगा तो भी मैं छोड़ा इसको। ये जेल है, यहाँ के नियम से चलना होगा। अगर कोई कुछ कहे फौरन शिकायत करो। किससे शिकायत करूं? ये भी तो डरता गालियों से, एकदम पीछे भाग गया। चुप रहो हवलदार, खुले जाओ, अकेली कोठरी में बंद करो 4 दिन के लिए। दो 4 महीने के बाद बाहर तो जूतियां पड़ती हैं, यहां पर आपस में क्यों लड़ते हो? चलो हाथ मिला। गाली से कहो, गाली नहीं देगा। नहीं दूंगा। अजीत, तुम्हारी रिपोर्ट से पता चलता है कि तुम मेहनत की रोटी और इज्जत की जिंदगी चाहते थे, लेकिन दुनिया ने शायद तुम्हें इसका मौका नहीं दिया। क्या अब भी तुम्हारे दिल में ही बात है? साहब, ये इरादा तो हमेशा रहा है, वाकई किसी ने कभी मौका नहीं दिया। और अब जबकि मैं जेल काट के जा रहा हूं, कौन मुझ पर भरोसा करेगा? है एक आदमी जिसे अब भी तुम पर भरोसा है और उसने हमें खत लिखा है तुम्हारे लिए। मेरे लिए खत? हाँ, और उसने लिखा है कि अगर अजीत
जेल से छूटने के बाद नई जिंदगी शुरू करना चाहे तो उसे मेरे पास भेज दो, इसमें उसका नाम और पता है। आपके पास सिक्का होगा? सिक्का? जी हाँ, मेरी जिंदगी के फैसले यही करता है। हाँ साहब, मैं जाऊंगा सर। अजीत, हमें खुशी है कि तुम जा रहे हो, गुड लक के लिए सिक्का अपने पास रखो। थैंक यू साहब। बेटा नहीं है? नहीं है, यही मेरा बेटा। बेटा नहीं है लाली मोती, ये तुम्हारा नहीं, बेटा नहीं है। देखते नहीं, ले जाओ, यही मेरा बेटा है। बेटा मुझे बचा लो। क्या मोती? बेटा मुझे बचा। कौन है यार? 18 साल हो गए, डाकू इसके बेटे को उठा कर ले गए। 5000 रुपए की मांग की लाली ने, जमीन जायदाद जेवर सब कुछ बेच दिया, लेकिन पैसे पूरे न हो सके। डाकुओं ने शायद इसके बेटे को मार डाला, इसी गम में ये बेचारी पागल हो गई। तो क्या इस गांव में डाकू अक्सर आते हैं? अरे बाबू, ये राजस्थान है, यहाँ की दो ही चीजें तो मशहूर है, एक रेत दूसरे डाकू। पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस हर समय और गांव खेड़े में कहाँ रहती, और ये डाकू आज इस गांव में आए थे तो कल दूसरे इलाके में नजर आते हैं। परदेसी मालूम होते, शहर से आया? हाँ मैं शहर से आया, मुझे हवलदार मेजर जसवंत सिंह से मिलना है। तुमने मुझे बुलाया? हाँ। इसलिए? काम देने के लिए। एक मुजरिम पर इतनी मेहरबानी किसकी? मुजरिम तुम कल थे, जिसकी तुम्हें सजा मिल चुकी। आज तुम एक नए इंसान हो, नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार? एक अनाथ और गुमनाम का, जिसे यह भी मालूम नहीं उसके बाप का नाम क्या है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना नाम दे सकता हूँ, ताकि तुम्हें दुनिया बिन बाप का न कहे, बल्कि ये कहे
कि तुम मेरे बेटे हो, एक्स हवलदार मेजर जसवंत सिंह के बेटे। मुझे किसी का एहसान लेने की आदत नहीं, और फिर किसी का नाम लेने से कोई किसी का बेटा नहीं बन जाता। अच्छी बात है, बेटा न सही मेरे साथी बनकर तो रह सकते हो। क्या कहता है तुम्हारा सिक्का? सिक्का कहता है यहीं रहता। सूरदास को किसने मारा? कौन हो तुम? देवी, देवी कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अरे बेचारा अंधा मालूम पड़ता है। बिल्कुल अंधा हूँ। बनता है बंदर। बंदर? बंदर नहीं देवी, मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के अंदर छोड़ दो मुझे। मंदिर जाना है? चलो मैं मंदिर ले चलती। चलो। इधर नहीं उधर। चलो चलो। आहिस्ता जरा आहिस्ता। ठहरो ठहरो। क्या हुआ? खुशबू आ रही है, गहरे पानी की खुशबू। खुशबू आ रही है या आंखें खुल गई हैं? थोड़ी थोड़ी खुल रही है। सबसे पहले किसने छुआ था मुझे? क्यों? जरा और छुओ, शायद बाकी नजर भी आ जाए। अभी सब कुछ नजर आ जाएगा। दिन में तारे, रात को सूरज, और सपनों में तुम्हारे जैसी मूरत। एक परदेसी पे बड़ी गर्म हो रही है आप। वो जो गांव का आदमी खड़ा है उसे कुछ नहीं कहती। शर्म नहीं आती बच्चे के बारे में ऐसी बातें करते हुए? शर्म उसे आनी चाहिए जो औरतों के घाट पर नंगा आ गया है। मैं तो पूरे कपड़े पहन के खड़ा हूँ। क्या कहा? जाता हूँ बाबा, जाता हूँ। बस इतना बता दीजिए कि आप कल किस वक्त नहाने आएंगी? बड़ी जालिम है यार, मेरा ये मतलब था कि जिस वक्त आप नहाने आते उस वक्त मैं ना आऊं। तुम? हाँ मैं। तुम चाचा जी के घर में क्या कर रहे हो? अभी यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो अब ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहोगे? देखिए कल सवेरे घाट पर जो आपने मेरा शानदार स्वागत किया उसके लिए अपने चाचा जी से कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूँ? तुम जैसे खराब आदमी को चाचा जी के यहाँ नहीं रहना चाहिए। आपस की बात में उस बुढ़े को क्या? मेरा मतलब अपने चाचा जी को क्यों घसीट रही है? आपस की बात? ये तो सरासर तुम्हारी बदमाशी थी। देखिए बदमाशी मत कहिए, मैं नहायत शरीफ आदमी हूँ। हाँ मेरी गलती जरूर हो गई, मुझे कसम से नहीं पता था इसी घाट पर गाँव की लड़के भी नहाने जाती है। अरे क्या भाई मेरी बिटिया मेरे लिए? चाचा जी अब फिर चूल्हे के पास। अरे ये तो मैं हलवा बना रहा था। बैठ बेटे, ये अजीत है, कल ही शहर से आया है, खेतों पे काम करेगा मेरे साथ। जी हाँ, सारे काम को पता चल गया है। यह है अंजू, रामदीन मेरे दोस्त की बेटी, यहाँ का पटेल है, रोज खाना ले आती है, मना करता हूँ तो झगड़ती है। हमारे गांव का खाना तेज और तीखा होता है, शायद इन्हें पसंद ना आए। तेज और तीखी चीजें तो मुझे ज्यादा पसंद है। हमारे गांव की कढ़ी को चख के देखो। क्या कढ़ी में नमक ही नमक है? आपको नमक पसंद नहीं? ये बात नहीं, नमकीन चीजें तो मुझे बहुत पसंद है। ये है मेरे खेत, हमारे खेत, जहां तक नजर जाती है
ये सारी जमीन हमारी है, कितनी फैली हुई खुली जगह है ये। जवाब नहीं जगह का। और इन फसलों को तो देखो कैसे लहलहा रही हैं, और ये बालियां हवा में झूम रही हैं। लगता है काली घटाएं झूम रही हैं। मगर बेटे ये सिर्फ गाने बजाने से काम नहीं चलेगा, इस अनमोल दौलत को हासिल करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ेगा, तब हाथ आएगी। इस अनमोल दौलत को हासिल करने के लिए खून पसीना तो क्या, मैं दिलो जिगर का खून भी लगा दूंगा। बाबूजी ये घुग्गी की आवाज निकाल रहा है। आवाज क्यों निकाल रहा है? अरे साहब ये ऐसी आवाज है जिसे सुनकर महबूबा धड़कती है भड़कती है और सीधे भागे भागे चले आती है अपने प्रीतम के पास। हाँ बाबूजी, 6 साल पहले इसने आवाज लगाई थी तो इसकी महबूबा डरकी थी बड़की थी तोड़ी हुई चली आई थी, शादी भी हुई थी लेकिन किसी दूसरे के साथ। तो फिर ऐसी गुग्गी की आवाज निकालने का फायदा क्या है? बाबूजी आवाज आवाज में फर्क होता है, कहाँ ये छत्री पहलवान की आवाज और कहाँ आप जैसे बांके जवान की आवाज। सच कहता हूँ बाबूजी, अगर आप ये घुगी की आवाज निकाले तो आपकी महबूबा तोड़ती हुई पाती हुई तड़ती हुई। अरे और नहीं, अपनी एक ही महबूबा है। अरे सच कहते हैं बाबू, अरे अपने छोटू मल मोटू मल जिंदाबाद रहे। हम भी पिलाएंगे, हम भी पिलाएंगे, हमें भी पिलाओ। मैं कहता हूँ छोटे मल तुम क्यों हो? तुम मोटू मल धोखा दिया मुझे। नहीं, तुम तो तुम अरे तुम बना रहे हो, तुमने मुझे बना रहे हो। अरे क्यों हो? अरे खरे खरे कहे के देखो मैं काम हूँ जी, हम लोग भागीदार हैं। अरे यार जी भागीदार हो, आपस में ही लड़ रहे हो। बात ये है, हमारे भागीदारी में नियम है। नियम है, बोलो बोलो। जिसको दारू पीनी है वो रुपया जेब से निकाल के डाले, वहाँ से भाग दे पी ले। मैंने भी ऐसा ही किया, गले में से अपने हिस्से का रुपया निकाला, गले में रखा, बोतल उठाई और दारू। तो मैंने क्या किया? मैंने भी यही किया, रुपया निकाला अंदर डाल दिया बोतल ली और बोतल आपने डाला दारू, आपने डाला दारू। कब से चल रहा है भाई ये? क्या दो पैसे बोतल कितना खाली किया? 6। माल गले में कितना? 2 रुपये। इसका मतलब ये हुआ मोटू मल जी, गल्ले का माल गल्ले में, वहाँ का माल पहाड़ दोनों का पेट में। अरे इस तरह से तू लोग दुकान का कबाड़ा कर दे। उनका 2 बाटल चाहिए, केसर कस्तूरी जामुन आशा मिलेगी। बाबू जी कहाँ से आए? हम शहर से, गाँव में क्यों? वो ना है जो एक फौजी बुढ़ा, वो हमको बेटा बना गया। वो बोलता है जमीन खजा सब दे दो। अच्छा, वो आदमी अच्छा है? वो बुढ़ा मरेगा सब। मरेगा नहीं मरेगा तो आप लोग मारेंगे। बस उनको मारो। चले चला। सामने लड़की है ना? कौन? अंजू दीदी। आपसे एक बात बोले तो 10 पैसे दूंगा। क्या बात? से बोलो तुम बहुत सुंदर हो। अंजू दीदी। अरे कहाँ, नहीं वहाँ जाकर बोला। लो 10 पैसे। देता ना 10 पैसे, पहले बोल क्या। चल बोल जा। तुमने तो बोला, तुम्हारी दीदी क्या बोला? अंजू जी ने बोला हट भाग यहाँ से। ऐसा बोला तो ठीक है, चल चल भाग भाग भाग। लाओ मेरे 10 पैसे। 10 पैसे किस बात के? तुम्हारी दीदी ने तो बोला के अंजू दीदी ये मेरे 10 पैसे। अरे चल, माफ चल देता हूँ। ये ले
चल फुट फुट। अरे अजीत, तू दौड़ना शुरू कर दिया क्या? हाँ शुरू कर रहा हूँ। शुरू करो ना। कैसे करते हैं? कमाल है, तुमने शहर में गाय दोना नहीं सीखा? शहर में गाय दूध देती कहाँ है, वहाँ तो दूध बोतलों में मिलता है। अरे जरा इसको चारा डाल देना। यह चारा ही डाल रहा हूँ। गौरी बहुत चारा खाती है। कितना खाती है? जितना डालो सारा हजम कर जाती है। फिर तो दूध भी बहुत देती हो। हाँ हाँ बहुत देती है। अच्छा दिन में कितनी बार देती है? दो बार, सवेरे और शाम को। बेटा बहुत दिनों के बाद भाई की याद आई है। मैं तेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए आई हूँ। तेरा बेटा? ये तो मेरा बेटा है। क्या कहा तूने, तेरा बेटा? सारी दुनिया जानती है कि तू बेऔलाद है। तेरी बीवी बांझ थी और जब मरी तब भी बांझ थी। तेरा बेटा चाहता है कि तेरे मरने के बाद तेरी चिता को कोई आग लगाने वाला हो, इसीलिए मेरे बेटे को अपना बेटा बना रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। एक बार डाकू मेरे बेटे को उठाकर ले गए थे, दूसरी बार मैं अपना बेटा किसी को नहीं दूंगी। नहीं, नहीं। लड़ाई में अपना हाथ तो गंवाया, क्या अब आंखों से दिखाई नहीं देता? देख देख सूरत मुझे कितनी मिलती है, देख। हाँ बिल्कुल बहना, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। वो बहुत तेरी तरह लगता है, उसका माथा, उसकी आंखें, के होंठ बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। अंधा भी देख के कह सकता है कि तेरा बेटा है, तेरा बेटा। सभी पागल है। ऐसी क्या बात हुई बाबूजी? वो एक भौजी है, वो बोलता है मैं उसका बेटा हूँ। पागल रहती है, कहती है मैं उसका बेटा हूँ। बाबूजी तुम कल आए, माँ भी मिल गई, बाप भी मिल गया, मगर ये आभागी दुनिया में कोई नहीं है। तुम चुप रहो बाबूजी, इस गांव में तो बाप भी मिल गया, माँ भी मिल गई। अरे क्या पागल, माँ बेवकूफ बाप मिलने से क्या होता है, मैं क्या करूँ? अरे क्या है, भूख लगी है? भूख लगी है तो अंदर आके खा ले। नहीं। क्यों? मैं शराब पिया है। शराब? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म औरतों को आती है, मर्दों को नहीं। कमीने तू पर कहीं जा। मैंने शराब पी है, किसी का खून तो नहीं पिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी अजीत। नाटक मत करो बूढ़े। इसलिए मैं तुझे यहाँ लाया था, अपने घर में रखा, तुझे अपना बेटा समझा कमीने। कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, तुमने अपने मतलब के लिए मुझे बुलाया है। लूले लंगड़े या पागल, खुद कुछ नहीं होता, जितना देते हो उसे छह गुना काम भी लेता हूँ। कमीने, ये बाप दादा का नाम रोशन कर रहा है तू। मैं अपना नाम रोशन कर रहा हूँ? कोई बाप दादा नहीं मेरा, भूल गए बिन बाप का बेटा हूँ। अरे गंदगी के कीड़े, क्या शहर था उसी गंदी नालियों में पड़ा रहे जहाँ से मैंने तुझे निकालने की कोशिश की। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। अरे सिक्के को क्या देखता है, तू भी खोटा और तेरा सिक्का भी खोटा। क्या निकल यहाँ से। मौसी, मौसी मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ। सो रही है?
मजे सो रहे हैं? तू मेरे जैसी अब आखन है, तुझे उस बेटे की तलाश है जो तुझे कभी नहीं मिलेगा, और मुझे उस माँ की तलाश है जो मुझे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम उससे फिर भी अच्छी है। तुमने अपने बेटे को देखा तो है, उसे अपनी गोद में खिलाया तो है, मैंने तो अपनी माँ की आवाज तक नहीं सुनी, सुनी है तो जमाने भर की गालियां, सबने मुझे ठुकरा दिया। बाजी वो फौजी है ना, उसने मुझे बेटा बनाया था, कहता था मैं तेरा बापू हूं। आज उसने मुझे बहुत मारा मासी, मुझे किसी ने गले से नहीं लगाया, मेरा कोई नहीं है। काश मेरी माँ होती, मेरी माँ होती, मैं उसके जीने से लग के सो जाता। अरे तू बेटा सोया नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मासी। सोएगा? हाँ सोऊंगा। आओ मेरे गोद में सो जा। आओ बेटा आओ आओ। जीतू चल बेटे घर चल। इसे मत जगाओ, जाने कितने दिनों के बाद इसे माँ की गोद मिली है, सोने दो इसे, सोने दो। ए, तुम किससे पूछकर इन खेतों में आए हो? इन खेतों में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आंख क्यों नहीं मिलाता है? शर्म आती है। तो ऐसा काम क्यों करता है? अब नहीं करूंगा। वो आ गया। कौन? तुलसी वाला। तो फिर कुछ पहना है? अरे तेरी अंजू दीदी कहना तो मानती नहीं, जब भी तू उसके पास जाता है बोल देती है हैत। अब समझा वो हैत क्यों बोलती है। तू नंगा उसके पास चला जाता है वो शर्मा जाती होगी। अरे कुछ कपड़ा वड़ा पहन के जाकर ना। देखो वो सामने कपड़ा उठा कर लो। आज तुझे देवानंद बना के भेजूंगा। आजा। शाबाश। उठा टांग। जल्दी करो ना, तुलसी वाला चला जाएगा। अरे बताता हूँ ना, तुम जाके अंजू दीदी से बोलो, तुम्हारी आंखें हिरनी जैसी हैं, तुम्हारी चाल बड़ी मस्तानी है और तुम्हारे होंठ बड़े रसीले हैं। तुलसी जैसे? हाँ तुलसी जैसे। शाबाश बोल क्या? नहीं। क्यों? बहुत लंबी बात है। तो फिर 20 पैसे लदीन दे। ये फौजी कुछ मुझे देता नहीं और तू रेट बढ़ाता जाता है। क्या बात? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ। क्या? मैं तुम्हें देखने आया हूँ। मुझे देखने? तुमसे सबक सीखना है ना। कौन सा सबक? दूध कैसे निकालते हैं? शहरी बाबू एक गांव है, अगर किसी ने देख लिया तो छठी का दूध याद आ जाएगा। कौन डरता है? कौन है बेटी? वो पिताजी बोले। कौन है? वो पिताजी। मर जाऊंगा मैं। अंजू बेटी कौन है? वो एक गधा आया है। तो लग मार के उसे हटा देना। अभी तो हटा रही हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो लट भी मार दूंगी। मारी अंजू जी, गोली से लट अच्छी, लेकिन लट पड़ने पर आवाज गधे की नहीं गुड्डी की निकलेगी। ये किसकी आवाज है? यही तो है गुड्डी की आवाज। गुड्डी की आवाज? इस आवाज से क्या होता है? इस आवाज से बहुत कुछ होता है।
मगर क्या होता है बताओ ना। हाँ, अभी से कैसे बता दूँ, अभी तो जाल डाला है, फिर पंछी को पकड़ के पिंजरे में डाल दिया जाएगा, फिर क्या होगा, फिर पंछी को पाला जाएगा, भात भात का दाना डाला जाएगा और फिर पंछी से प्यार किया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वो पंछी भी घुग्गी की आवाज निकालेगा। मुझे भी सिखाओ ना। थोड़ा और आ जाओ, अभी हाथ ऐसे करो, अभी हम बजाओ, जोर से बजाओ। नहीं बजती। मैं बजाता हूँ। अरे गुगी की आवाज निकालो ना। अरे अंजू ये क्या हो रहा है? मौसी इसके गले में गुगी अटक गई है। गुगी अटक गई है? अरे चंपा देखते क्या है, मारे हाथ निकाल दे इसकी गुगी। अरे अरे बेचारे को कितनी तकलीफ हो रही है, किस बुरी तरह से गुग्गी फंसी हुई है। गुग्गी नहीं ये घुग्गा फंस गया है, मैं भी आराम से बैठ के देखती हूँ ये घुग्गा कब निकलता है। भी नहीं तो फिर क्या चाहिए महाराज? जोगी तो देवी के दर्शन का अभिलाषी है। ओ देवी के दर्शन, तुम्हें मंदिर का रास्ता दिखा दो। देवी ना, इस जोगी का मंदिर तो देवी के इन विशाल नयनों के अंदर है। तुम प्रेम करने वाले सदा ही रंग रूप बदलते रहते हैं। जोगी जी ये शहर नहीं गांव है, इसने देख लिया रंग रूप के साथ शक्ल सूरत भी बदल जाएगी। तो मैं बिला देवी पर अनर्थ हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? तुमसे मिलने। तुमसे मिलने? मैं तो तुमसे रोज मिल लेती हूँ। वो भी कोई मिलना है, कभी चाची के साथ कभी मौसी के साथ, सखियों की टोली वो तो बहनों की हम टोली। अंजू आई माँ, मुझे बुलाई। माए तो रोज बुलाती है लेकिन जोगी तो कभी कभी बुलाते हैं। क्या कर रहा हूँ? तपस्या कर रहा हूँ कन्या, तपस्या। जब तक मिलने का वचन नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यही धूनी रमाऊंगा आशु के घर पर। भगवान के लिए जाओ, मैं करती हूँ हाथ जोड़ती हूँ। मिलने का वचन देती हो? हाँ। तो नागदा के पुराने मंदिर में हम तुम्हारी बाट देखेंगे, शीघ्र आ जाना। आ जाओ। आओगी। हाँ। अंजू जोगी को रोकना, मुझे भी दर्शन करने हैं। नहीं नहीं महाराज, जरा तनिक रुक ही जाइए ना, माँ को भी दर्शन कर लेने दीजिए ना। अब रुकना संभव है, हम तो केवल पुत्रियों के योगी हैं, माँ के नहीं, अब तो जाना ही चाहिए। महाराज मैं आ गई। माता जी तो साथ में है? नहीं। तनिक लिखित आओ, ये लो। तनिक और आ जाओ। अब कुछ कहो भी, क्या चाहिए? मांग के मिला तो क्या मिला, देने वाले तो अपने आप दे जाते हैं देवी। तो ठीक है ये लो। ये क्या? सोना। सोना अर्थात मन का चैन खोना। अच्छा तो ये लो। चांदी अर्थात लोभ की बांदी। ओहो अच्छा ये लो। पैसा
इससे जोगी का नाता कैसा? तो फिर क्या चाहिए महाराज? मन चाहिए देवी मन, दिल लिख देख, दिल लिख देख। नहीं महाराज, मैं दिल नहीं दे सकती। क्यों? पंछी ना कभी सुना और ना देखा। इस उम्र में कैसे सुनोगे? क्या मेरा मतलब है, ये हिल स्टेशन पे होता है, पहाड़ी पहाड़ी इलाके में। वहां से सर्दी लगती है ना, तो गर्मी लेने के लिए रेगिस्तान में आ जाता है। अरे मगर रात ही को क्यों आता है भाई? रात को शायद इसे ज्यादा तकलीफ होती है। ये तो बेटे अरे
अरे ये तेरी घुग्गी ना तुझे सोने देगी ना मुझे सोने देगी, तो फिर क्या करूं? ऐसे उड़ा दूं? उड़ा दे, आज उड़ा देता हूं। उड़ा दे। तंग करती है। उड़ा दे। मामला क्या है? इसने भी तेरे घुग्गी की आवाज सुन ली है, जो उसे हमेशा के लिए बंद करने आया है। इनसे कहिए मेरे मन में कोई खोट नहीं था। मैं क्या करूं, जो करे सो भरे। जिसने घुग्गी की आवाज निकाली है वो शेर की गरज भी सुन ले। ठाकुर साहब, दरअसल मुझे तरह तरह के पंछी की आवाज निकालने की आदत है। यह कम्बख घुग्गी की आवाज कैसे निकल आई मुझे मालूम नहीं। घुग्गी की आवाज तो गलती से निकला है, मगर आप बतख की आवाज में क्यों बोल रहा है? मर्दों की तरह बात कर। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ये यूं नहीं मानेगा। इसके पांव में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी डलवा दीजिए, बस। काफी मजाक हो चुका फौजी, तुम्हारा तो बेटा है लेकिन मेरा तो होने वाला जवाई है। जवाई? तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई और मुझे तुम। ठाकुर साहब, आप एक शरीफ और खानदानी आदमी हैं, मेरे बारे में शायद आप कुछ नहीं जानते। मैं एक चोर, आवारा और बेनाम आदमी हूँ। अभी अभी 6 महीने की जेल काट के आया हूँ। फौजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर भी आप मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं, इंसान जब गिरे तो जानवर से भी नीच हो जाता है और कभी डाकू भी वाल्मीकि बन जाता है। क्या है? कुछ नहीं कहना। अब तो मैंने निक्का शुरू कर दी। लेकिन अपनी लाइन डायरेक्ट चालू हो गई बेटा। क्या? अपना काम हो गया। होगा ये डायरेक्ट ही कब से? समझ गया बेटा, फौजी ने भी 1 रुपया दिया है मैं सुने ले, लेकिन फोर एंड फाइनल। अच्छा अच्छा बाबू जी, तुम मुन्ना को पैसे दे दे के बिगाड़ रहे। तुम चिंता नहीं करो भाभी, मुन्ना बिगड़ेगा नहीं। रोज इस तरह पैसे देते रहे तो इसे फिजूल खर्ची की आदत पड़ जाएगी। देखो अभी खर्चने की आदत पड़ेगी तो कमाने की भी पड़ेगी। देख लेना एक दिन बड़ा होकर ये तुम्हें सर से पांव तक सोने में लाद देगा। अच्छा, तुम्हें इतना भरोसा है इस शरारती पे? नहीं भाभी, ये शरारती नहीं, ये तो बड़ी काम की चीज है। इसने काम में मेरी बड़ी मदद की है और जब ये बड़ा होगा मैं भी इसकी मदद करूंगा। एक दिन इसके लिए चांद सी खूबसूरत दुल्हन लाऊंगा जो तुम्हारी जिंदा सेवा करेगी। क्यों करेगी? अरे इधर आ, मैं कब से खड़ी हूँ, तुम कहाँ था? ये देख, ये क्या है? कंगन है। हाँ, मैंने बहुत संभाल के रखे हैं, किसी को नहीं मालूम, साकुओं को भी नहीं मालूम। ये देख, किसके लिए है मालूम? किसके लिए? बहू के लिए, तेरी बीवी के लिए। ले, अपनी अमानत तू ही संभाल। अभी तुम अपने पास रखो मौसी, मैं बाद में ले लूंगा। मौसी, तू मुझे मौसी क्यों कहता है? मैं तो तेरी माँ हूँ ना, तू क्यों कहता है मुझे मौसी, बोल। हाँ, हाँ, तू मेरी माँ है। मौसी मेरे मुंह से निकल गया था। आज तुम्हारा समय खत्म हो चुका। ठाकुर याद करो, ठाकुर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। ठाकुर, जिस परिवार के पुरखों ने मुझे डाकू बनाया, मैं पानी देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। रहम करो ठाकुर साहब, रहम करो। थैंक यू, बच्चे को अलग करो। इस बच्चे का क्या कुछ है? ये उस वंश में पैदा हुआ है जिसने जब्बर सिंह से दुश्मनी मोल ली। नहीं, अलग करो। मुन्ना!
भैया तू किस मासूम बच्चे से क्या बैर था? अरे जिस गांव के लोग बुजदिल और कायर हों, उनके बच्चों का यही हश्र होता है। याद है एक दिन कोर्ट में तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे पकड़वा कर तुम्हें क्या मिला, और मैंने कहा था कि ये मेरा फर्ज है, अगर ये फर्ज सब गांव वाले समझ लें तो आज बजाय इस बच्चे की लाश के और डाकुओं की लाशें मिलेंगी। कल जो इस घर में वारदात हुई, मैंने सुना आपने एक डाकू को पहचान लिया? जी हाँ। उसका नाम? हरिया। आपको कैसे मालूम कि उसका नाम हरिया है? वो इसी गांव का बच्चा है, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है दरोगा जी। आप हरिया के खिलाफ अदालत में गवाही देंगे? जरूर। डाकुओं से डरेंगे तो नहीं? हम भी ठाकुर हैं दरोगा जी, देखा है तो देखा है, जरूर गवाही देंगे। अदालत में हरिया के खिलाफ गवाही तू ही दे रहा है? सुअर के बच्चे, मुझे मालूम नहीं हरिया हमारा साथी है। मालूम है। चीज ज्यादा लंबी हो गई है, कहां से लाई है हिम्मत? हिम्मत की बात नहीं, फर्ज किया ठाकुर साहब, फर्ज समझ के किया। पुलिस का दलाल बनकर जो चंबल के बेटों से गद्दारी करता है उसे गोली मार दी जाती है। तूने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। दया करो ठाकुर जी, दया करो, मेरे प्राण ले लो, इन्हें मत मारो। तुम अंदर जाओ अंजू की माँ, तुम अंदर जाओ। दया करो ठाकुर जी, दया करो, दया करो। सुना नहीं तुम्हारे आदमी ने क्या कहा? अंदर जा। सुना है डाकू लोग बहादुर होते हैं, और बहादुर बीवी बच्चों के सामने बाप की हत्या नहीं करते। मुझे मारना है तो गांव के बाहर। नहीं, गोली यहीं चलेगी, सबके सामने। हम चाहते हैं कि तेरे घर वाले, तेरे गांव वाले सब देखें कि पुलिस के दलालों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। नहीं, ये डाकुओं की गोली की आवाज है, भागो। मेरी बंदूक और काली पेटी में कारतूस पड़े हैं, वो लेकर जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। Thank you.
बड़ा मूर्ख था पटेल। डाकुओं ने उसके सीने पर बंदूक रखते हुए पूछा, बोल हमारे खिलाफ गवाही देगा? तो बेवकूफ बहादुरी दिखाते हुए बोला, हाँ दूंगा। तो फिर डाकुओं ने गोली उतार दी ना छाती में? अरे तुम कायर और पुस्तिर ही नहीं, कमीने और जलील भी हो। एक ही बहादुर इंसान था तुम्हारे गांव में जिसने तुम लोगों के लिए अपनी जान दे दी, बजाय इसके कि तुम इसकी लाश पर आंसू बहाओ उसका मजाक उड़ाते हो। अगर तुम में जरा गैरत और इज्जत है तो चिल्लू बाल पानी में डूब मरो। लो बोलो, अब लूले लंगड़े अपाहिज भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। शर्मानी चाहिए ऐसी बेहुदा बात कहते हो। पटेल ने गांव की भलाई के लिए अपनी जान दे दी, अगर वो भी तुम्हारी तरह बुजदिल होता, अगर उसे भी तुम्हारी तरह अपनी जान प्यारी होती तो वो भी तुम चूहों की तरह कहीं छुप जाता। बातें करना बहुत आसान है अजीत बाबू, जब डाकू सामने होंगे तो मुंह से जबान नहीं निकलेगी। तुम लोगों के सिवाय औरतों की तरह ताने देने के कुछ आता है? आज से ये गांव मेरा भी है और मैं तुम सबके सामने कसम खाकर कहता हूं, अगर डाकू ने दोबारा इस गांव में कदम रखा तो मैं उनका सामना करूंगा। इनमें से किसी को पहचानते हो? देखो गौर से देखो, डरो नहीं, ये भी तुम्हारी तरह इंसान है, कोई भूत प्रेत नहीं। कमाल की बात, कल दिन दहाड़े रामदीन का खून हुआ यही इसी जगह और आज सारा गांव खामोश है। मंगलू, वारदात तेरे घर के सामने हुई, तुमने कुछ तो देखा होगा, इनमें से कोई था? सरकार, मटकी बनाते बनाते सुराही बन जाती, आंखें कमजोर हो गई सरकार, हम क्या बताएं सरकार। ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ तो कुछ नहीं बताएगी। अपने बापू का हाल नहीं देखा, कसाइयों ने कैसे उनके प्राण लिए थे। तू आड़े आएगी वो तेरे बैरी बन जाएंगे। याद नहीं पंडित तुलसीराम ने बैर लिया था तो उनके परिवार को एक एक करके मारा था। तुमने बापू की जान ली है माँ, तो उनको बचाना चाहती है? नहीं बेटे, मैं अपने रहा साहब बचाना चाहती हूँ। पुलिस का साथ तो दो एक दिन का होता है लेकिन ये डाकू सदा के बैरी बन जाते हैं। माफ कीजिए, कल जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। आप लोगों ने कुछ तो देखा होगा, इनमें से किसी को पहचान सकते हैं? देखते तो जरूर बतलाते। अजीत बाबू, तुम्हें पंचायत ने इसलिए बुलवाया है कि इस तरह डाकुओं को ललकारना बेवकूफी है, गांव वालों के लिए खतरनाक। अजीत बाबू, न तो तुम्हारा कोई है न फौजी का, तुम जो चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम ठहरे बाल बच्चों वाले। उधर डाकू के खिलाफ पुलिस में गवाही दी, इधर हमारे बाल बच्चों की जान गई। बिल्कुल वो तुम लोग समझते क्यों नहीं? अरे 1000-1500 की ये बस्ती अगर मिलकर डाकू के सामने डट जाए तो ये 10-15 डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम सब मिलकर डाकू के खिलाफ पुलिस में गवाही दे सको तो चंद ही दिनों में ये डाकू फांसी के तख्ते पर होंगे। एक बात है ठाकुर, हम उस गांव का रास्ता ही क्यों ना छोड़ दें, बाकी सारा इलाका पड़ा है। नहीं, इस गांव से हमारे खिलाफ आवाज उठी है तो उठने दो, जब हम वहां जाएंगे ही नहीं तो हमें क्या पड़ा है? गलत, अगर हमने इस आवाज को बंद नहीं किया तो दूसरे किसी गांव से एक और आवाज उठे। हम 7 साल से जिंदा इसी कारण है कि हमारे डर से कोई पुलिस का साथ नहीं देता। एक बार अगर गांव वालों के दिल से हमारा डर निकल गया तो अगले दिन हम फांसी के तख्ते पर होंगे। जिस दिन पुलिस उस गांव से निकल जाए मुझे बता देना, चलकर उस शहरी लौंडे को सबक सिखाना पड़ेगा। पिटिया बटिया ओमला भागो रे डाकू आ रहे हैं। तो फिर आ गया, बोल मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ, बोल मेरा बेटा कहाँ। ए बुढ़िया, चल। दो चार दांत जो मुंह में बाकी हैं,
दांत मारूंगा बाहर निकाल दूंगा। बड़े बहादुर हो ठाकुर, घोड़े पर सवार हाथ में बंदूक लिए एक बुजुर्ग औरत को गालियां दे रहे हो। ठाकुर हो या किसी गांव के कुत्ते, एक मां समान औरत को बुढ़िया कहते हो, शर्म नहीं आती? 67 को बुढ़िया नहीं तो 16 साल की छोरी कहूं? हत्ते पर गोली नहीं चलाते, समझे? इधर आओ। तेरा बेटा आ नहीं गया? घबरा मत, मैं इसे बंदूक चलाना सिखाऊंगा, और जब सीख लेगा फिर देखना कि ये तेरा बेटा क्या करता है। सब गलत, सब गलत। तुमको बंदूक पकड़ना भी नहीं आता है, तुम बंदूक चलाता है कि तीर कमान चलाता है? इधर पकड़ो, पकड़ो इधर, अब लगा निशाना सामने, चलाओ गोली। कटा हुआ झाड़ का माफिक गिर जाता है, निशाना बांधो, बांधो निशाना। देखता किधर है निशाना? इधर है, देखता इधर है। धक्का लगा, आंखें टेढ़ी हो गई। आंख को कंट्रोल कराओ। आंख कंट्रोल में करता हूँ तो दिल धड़कने लगता है। दिल को काबू में लाओ। काबू में नहीं रहता। क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? बंदूक चलाना। करो, शेष कराओ, मारो। और कम बैक, पीछे आओ, पीछे आओ। आए, पलस काओ, पलस काओ।
जल्दी बनाओ, हम तुमको बताता है गोली चलाना कैसा होता है। नाम कह दो, आगे चलाओ, आगे आओ। ऐसा मारो, ऐसा मारो, देखो ऐसा मारो गोले। अभी मालूम हुआ तुम्हारा गोली क्यों ठीक नहीं लगता था। अभी गोली मारो, ध्यान उस तरफ रखो, मारो गोले। जालिम सिंह, तेरी खबर पक्की थी ना? बिल्कुल पक्की है ठाकुर। एक तरफ निशानेबाजी और दूसरी तरफ गांव वालों को भड़काना, दोनों बातें बिल्कुल पक्की। बकरी के सीने में शेर का दिल, कल मार मार कर जिसकी मैंने चमड़ी उथेड़ी, आज वो मेरा मुकाबला करने निकला। यही तो सोचने की बात है ठाकुर। आज तक तुम जिस रास्ते से निकले वहां आदमी तो क्या, पत्तों ने भी खड़खड़ाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब क्या। मुझे फिक्र है इस आदमी में जरूर कोई भेद है ठाकुर, कहीं ये जाल पुलिस ने न बिछाया हो। हम गांव में उसे मारने के लिए जाएं और पुलिस की गोलियां हमारा स्वागत करें। हो सकता है वो कुत्ता भी पुलिस का आदमी हो सकता है। तो फिर चले ठाकुर। दुश्मन पर वार करने से पहले जरूरी है दुश्मन को जानना, और ये काम मुन्नी बाई से अच्छा और कोई नहीं कर सकता।
निशाना है, मगर सब बेकार। क्यों बेकार क्यों? अगर यही गोलियां डाकुओं का सीना चीरती तो कोई बात होती। क्यों भाई जी, डाकुओं से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इसी जबर सिंह ने हमारे गांव पर हमला किया, मुझे उठाकर ले गया, और मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। उसी दिन से मैंने कसम खा ली, जब तक जब्बर सिंह से बदला नहीं लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इस इलाके की पूरी पुलिस पिछले 5-7 साल से जिन डाकू को नहीं पकड़ सकी, उनका तुम जैसी कमजोर लड़की क्या मुकाबला करेगी? औरत कमजोर ही सही, लेकिन अपने इरादे की पक्की होती है, और अपना मतलब निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। तुमने कौन सा रास्ता निकाला है? तुम? मैं? अगर हम दोनों मिल जाए तो इन डाकुओं का बीज नाश हो सकता है। वो कैसे? तुम्हारी बंदूक और मेरी चालाकी। कुछ पता चला कौन है वो? पुलिस का कुत्ता तो नहीं? पता नहीं। सीआईडी का? ये भी मालूम नहीं। तो फिर क्या मालूम किया है? सिर्फ इतना मालूम किया कि वो एक जवान आदमी है। क्या भक्ति हो? यही के अभी दोस्ती हुई है, बाकी काम मेरी खूबसूरती और उसकी जवानी की टक्कर से होगा। मैंने समझा कोई डाक। अंजू मैं हूँ अजीत। मैं जानती हूँ। तो फिर गोली क्यों चला रही हो? मैं तुम्हारी तरफ नहीं चला रही, मैं तो निशाना लगा रही थी। निशाना क्या जालिम निशाना है? तुम्हें इस डालडे के डिब्बे में और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता? बहुत फर्क है, ये खाली हो कभी बेकार नहीं, मेरे निशाने के तो काम आ रहा है। ठीक है, पर तुम्हें ये निशानाबाजी सीखने की क्या जरूरत है? जिस पर भरोसा था आजकल वो दूसरा शिकार कर रहा है, ऐसा शिकार जो बंदूक की गोलियों से नहीं नजरों के तीर से होता है। तुम भूल रही हो अंजू, मेरा मुकाबला ऐसे डाकुओं से है जिन्हें ढूंढने के लिए हाँ जिनको ढूंढने के लिए किसी की बड़ी बड़ी आंखों की जरूरत होती है। मुझे गलत मत समझो, डाकू का पता लगाने के लिए नौटंकी वालों का सहारा लेना ही पड़ेगा। मुझे शक। अच्छा, इसीलिए निशानाबाजी सीखी जा रही है? बिल्कुल। आओ नीचे। मुझे हाथ मत लगाओ।
अरे हाथ नहीं लगाऊंगा तो राइफल कैसे चलाने सिखाऊंगा? ये मुझे नहीं पता, मुझे हाथ मत लगाओ। तो राइफल लगा सकते हम? पकड़ो, आंख बंद करो। ये नहीं, दूसरी। कौन सी? मैं देखती रहूं। कहां? मेरी आंखों में। क्या कहती हैं ये आंखें? कहती हैं किसी की आंखों से मिल गई हैं। मेरा दिल क्या कहता है? कहता है कोई मुझ में समा गया है। और ये सावन क्या कहता है? कुछ कहता है ये सावन। क्या कहता है? कुछ कहता है ये सावन। क्या कहता है? शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। ओ, 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 कुछ कहती है ये बदली। क्या कहती है? ओ, कुछ कहती है ये बदली। शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, तू रहती है। रिम झिम गाता है पानी। क्यों गाता है? बीच में साजन गीत ये जीवन बन जाता है, बन जाता है। आई पुरवाई क्यों आई है? फिर आई पुरवाई क्यों आई है? सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है। भीगी भीगी रातों में क्या होता है? नींद न आए हमको हाय, जग सोता है, जग सोता है। खिलती है तब कलियां, तब खिलती है। खिलती है तब कलियां, तब खिलती है। तेरी अखियां मेरी अखियां जब मिलती है। बजती है थम थम, बजती है पायल कब? बजती है प्रेम के पथ पर रूप पथा कर जब लगती है, जब लगती है। धक करता है ये दिल क्यों करता है? धक धक करता है ये दिल क्यों करता है? लोग न सुनने प्यार की बातें मन करता है। झर झर बहता है झरना, क्यों बहता है? आई जवानी मस्तानी ये कह
है ये सावन, क्या कहता है कुछ 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 कहता है। अजीत एक बात बताओगे? हाँ पूछो। तुम बाहर के रहने वाले, बाहर से इस गांव में आए हो और अब इस गांव के लिए उस जबर सिंह को ललकार रहे हो, जो जबर सिंह अपने दुश्मन को ही नहीं उसकी आने वाले नस्ल तक को जिंदा नहीं छोड़ता। जानता हूं मुन्नी, मगर एक शब्द है फर्ज, जिसके माने इस गांव में आने से पहले मैं नहीं जानता था, मगर इस गांव में आने के बाद किसी ने मुझे बताया कि इंसान के लिए दुनिया में उसकी जिंदगी से ज्यादा अनमोल उसका फर्ज है। यही बात मैं गांव के इन भोले भाले गरीब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। गांव के एक इंसान ने जो रोशनी मुझे दी है, उसे सारे गांव तक पहुंचाने का एक ही तरीका है कि मैं जबर सिंह से टकरा जाऊं। डरावना सपना देखा होगा मेरी बेटी ने। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती माँ। किसे? अजीत को। वो उसे मार डालेंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी माँ। वो जो कुछ भी कर रहा है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। और जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान दे दे, वो इंसान नहीं होता माँ, वो देवता होता है। इंस्पेक्टर साहब, आप ये तो जानते हैं कि शरद पूनम के मेले पर इस इलाके के सारे डाकू जरूर आते हैं। जबर सिंह भी आएगा और हम उसे पकड़ सकते हैं। हर साल हमारी यही कोशिश होती है कि उन्हें मेले में गिरफ्तार कर सकें, लेकिन वो सब भेस बदल कर आते हैं और उन्हें हजारों की भीड़ में पहचानना मुश्किल हो जाता है। यही मुश्किल आसान करने के लिए तो मैं आया हूँ। कैसे? देखिए, मुझे मेले में इशारा मिलेगा कि जब्बर सिंह कहाँ है और किस भेष में है। कौन है वो आदमी? ये मैं आपको नहीं बता सकूंगा, बताने से उसकी जान को खतरा है। फिर भी आपको इशारा जरूर मिलेगा कि जब्बर सिंह कहाँ है और किस भेष में है। पुलिस वहां होगी, हमारे लिए इशारा काफी होगा। नहीं, वक्त आ गया है, मेरी बंदूक को तुम्हारी चालाकी की जरूरत है। मैं तैयार हूं। मगर सोच लो, इसके लिए तुम्हें जब्बर सिंह के साथ जिंदगी भर के लिए दुश्मनी मोल लेना होगी। सोच लिया। तुम बताओ मुझे करना क्या है? कल शरद पूनम का मेला है। तुमने तो जब्बर सिंह और उसके आदमियों को हर रंग हर रूप में देखा है। वो किसी भी भेष में आए तुम्हारी नजरों ने जरूर पहचान लेगी। बस मुझे इतना इशारा कर देना कि उनमें जब्बर सिंह कौन है, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, तो फिर कल मेले में। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू जानती है जो कुछ तू कर रही है इसका नतीजा क्या होगा? जानती हूँ। तू कुछ नहीं जानती। जिन डाकुओं के दम से सारा इलाका थरथराता है, जिन डाकुओं की तलाश में 6 साल से सारे राजस्थान की पुलिस भटक रही है, तू क्या जानती है? वो कल का शहरी लौंडा उन्हें पकड़ लेगा। मैं पूछती हूँ, छोकरे के लिए क्या तू जब्बर सिंह से दुश्मनी मोल लेगी? तुम्हारी बेटी इतनी पागल नहीं है माँ। मैं जानती हूँ हमारी जान जब्बर सिंह के हाथ में है। तुम देखती जाओ माँ, तुम्हारी बेटी किसको क्या इशारे करती है। ठीक है,
पगड़ी बांध लेना। मुन्नी से खबर आई है कि मेले में खतरा है। कौन सी नई बात है? वो शहरी लौंडा एक नया जाल फैला रहा है, ये नहीं जान पड़ा कि उसकी जाल क्या है। मुन्नी को खबर कर दो मेले में उस लौंडे के पास रहे और वक्त पर हमें खबर कर दे।
बहुत कुछ हो सकता है जालिम सिंह। पुलिस उसे फांसी से बचने का लालच देकर सरकारी गवाह बना लेगी। उधर उसकी जबान खुली और इधर हमारे सबके गले में रस। राम जादे ने अपने आप को गोली क्यों नहीं मारी? साल में पहली बार हमारी अंदर की खबर बाहर गई। कौन है वो धोखेबाज? अपने आप मेरे सामने आ जाए तो चैन की मौत मरेगा। सिर्फ एक गोली ढूंढ के निकाला तो कुत्ते की मौत मरेगा। आज अपने ठाकुर से नजरें नहीं मिलती। आंखें मत झुकाओ, डरो मत। जिसका मन साफ होता है उसकी नजर भी साफ होती है, और जिसके मन में कपट हो उसकी नजर को जब्बर सिंह घोर अंधेरे में भी पहचान लेता है। कपट हो तब ना। आराम जादी गद्दार, मैंने ही यह हरकत की थी ना? नहीं नहीं ठाकुर, मैं खुद उसे पहचान न सकी। मैंने कोई गद्दारी नहीं की।
और ध्यान से सुन, अब जो काम मैं तुझे सौंप रहा हूँ उसमें जरा सी भी चूक हुई तो मुझे मालूम हो जाएगा अंदर की खबर बाहर कैसे जाती है। भगवान का शुक्र है बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। जब्बर सिंह को तुम्हारी बेटी मुन्नी पर सिर्फ शक है, यकीन नहीं। मगर केसर भाई, अब रोक के रखो अपनी मुन्नी को। अगर उसने जब्बर सिंह के साथ फिर कभी गद्दारी की तो अपने साथ हम सबको ले डूबेगी। सलाम, सामान उतारो। नमस्ते जी। नमस्ते। आप यहाँ कैसे पधारे? आज से हमारा खाना यही है। बड़ी मेहरबानी जनाब, गांव वाले कुछ चैन की नींद तो सो सकेंगे। हमारे लायक कुछ बताइए साहब, कुछ पानी वानी का इंतजाम कीजिए। जरूर है, जरूर अभी जरूर। नहीं, ये काम मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करेगी। ठीक है कालीचरण, इसे बांध दो। माँ, पुलिस को खबर मैं दूंगी। जब तक अजीत और फौजी खत्म नहीं हो जाते नहीं मां, नहीं नहीं मां, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मत जा, मत जा। सरकार, जब्बर सिंह और डाकू, सारे डाकू दबोक नाले के पास देखे, सारा गिरोह, सारे डाकू दबोक नाले के पास। हेलो, कॉलिंग चार्ली, कॉलिंग चार्ली, चार्ली स्पीकिंग, चार्ली स्पीकिंग। जब्बर सिंह और उसके साथी दबोक नाले में यहाँ से 20 मील दूर, अपनी कंपनी लेकर जल्दी वहां पहुंच जाओ। राइट ऑफ जमादार, कम टू माउंट। अरे छोटी, वरना गोली। क्या करती है? मुझे जाने दो। पागल हो गई है? बोलो उसे मार डाली, मुझे जाने दो। जहाँ सारा गांव के बैठा है वहाँ तू अकेली क्या कर रही? नहीं नहीं, मैं जाने दो, लग जाएगी। अरे गोली अपना काम कर चुकी है, मैं बच नहीं सकता। तो आ जा। मत हो बापू। क्या 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 कहा तूने? क्या फिर से कह तू? हाँ बापू। बेटे, ये लव सुनने के लिए मैं सारी जिंदगी तड़पता रहा हूं। जानता है तेरे इस कहने से बिना औलाद के बाप के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। अब आने दो पुलिस वालों को,
इनकी तो हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। सलाम। यस सर। पंचू को बुलाओ। बोले से पहले काशी को कैसे बताते थे? अरे मैं उसके गुण गाता था, उसकी खुशामिद करता था, उसके बाप की मालिश करता था। ये देखा काका, हमारा तो नक्शा ही उल्टा है। अरे गोपी का बाप हमको देख के घूरता है और वो हमारी खुशामद से भड़कती है। काका गांव के कितने कुंवारों को तू पार लगाए है? अरे हमारे नैया भी पार लगा दे काका। एक ही रास्ता है, तुम एक डाकू को मार दो, उसका जो इनाम मिलेगा उससे मैं तेरी शादी करवा दूंगा। अरे क्या कहते हैं काका, ये कौन सी बड़ी बात है? अरे तू कहता हम एक नहीं दो डाकू को मार के गिराए। अरे अपने बदन को देख। अरे क्या कहते हो काका, अरे हम दिखने में चोर बदन है, हम खड़े तो लौंग और बैठे तो इलायची, लेकिन हम तो हर बात समझ गए। समझ गई बड़ा गाड़ी। क्या हुआ ठाकुर? घोड़े की नाल उतर गई। ठाकुर नारियल, आज तू ही मंदिर में चढ़ा।
खून का बदला खून। अरे भाई कमाल है, 5 साल में ये पहला डाकू मारा गया है। कौन है वो बहादुर, कौन है वो बहादुर, कौन है? कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे बहादुर को पहचानने में क्या देरी लगती है? अरे तुम लोग हवा और हमार करने की धूली लेके अपने माथे पर लगावा। क्या तुम कहीं तीर्थ यात्रा करके आए हो? अरे का कहते हैं काका, अरे मूर्त को मारा है कौन, तीर्थ से कम है का? कहने मारा और नहीं तो का, इधर चली माखन की आंटी, उधर बजी डाकू की घंटी। बज गई। अरे सुना है, सुना कैसन घंटी बजी? ए काका ये देखा, पहले बजेगी रूपा की घंटी खिसाओ, और फिर बजेगी कल्ला की घंटी खिसाओ, फिर गब्बर की घंटी बजेगी। अरे सुनो और गौर से सुनो, अगर किसी ने फौजी के आदमी को इस गांव में पनाह दी तो याद रखो गांव को जला के राख कर दिया जाएगा। सुन के इनाम दोगे इनाम। क्या बात है? उस चोरी का पता चल गया है जिससे उस कमीने अजीत की यारी है। कौन है वो? अंजू। कौन अंजू? उस मुखिया की छोरी जिसने हरिया के खिलाफ गवाही देनी चाहिए और जिसे मैंने मुझे खबर क्यों नहीं की? फायदा क्या होता? अगर तूने मुझे खबर दी होती तो अब तक हम बाजी जीत गए होते। वो कैसे ठाकुर? बताता हूं।
नेता बने फिरते थे, डाकू के खिलाफ प्रचार करते थे, उनका विरोध करते थे, अरे नहीं मेरे डाले मेरी अंजू को उठा के लेके गए और ये देखे अगर अंजू को वापस चाहते हो तो बिना हथियार चीवा सुरंग पर आ जाओ, एक सफेद घोड़ा वहां होगा जो तुम्हें हमारे पास ले आएगा। अगर तुम्हारे साथ कोई पुलिस वाला नजर आया तो अंजू को गोली मार दी जाएगी। चिंता मत कीजिए माँ जी, आपकी अंजू का बाल भी बिखर नहीं होगा, सही सलामत शाम तक आपके पास पहुंच जाएगी। मुझे अजीत चाहिए, अंजू नहीं। नागन, मुझे नहीं मालूम था मैं जिसे समाज की ठुकराई हुई अबला समझता रहा वो जबर सिंह की लाश निकलेगी। अपने दुख की मन घड़त कहानी सुनाकर मेरे साथ विश्वासघात करेगी। मेरे बापू की खातिर तूने इस गांव की शांति में आग लगाई है, इस गांव के मासूम बच्चों को यतीम बनाने के लिए, औरतों को बेवा बनाने के लिए तो डाकू को कार करती रही। सभी औरत आखिर तूने अपनी जात बता ही दी, बोलती क्यों नहीं? कहां गई तुम्हारी वो लंबी जबान जिससे बड़े बड़े झूठ बोले हैं? बोलती क्यों नहीं? हाँ, ये सब सच है। इन डाकुओं के हाथ की कठपुतली बनकर मैंने बहुत बुरे काम किए, नीच से नीच कर्म किए। इस गांव में भी तुम्हारे बारे में पता करना है। तुम्हें मिलने के बाद महसूस हुआ कि दुनिया में अच्छाई भी है, नेकी भी। मुझे ऐसे लगा कि एक गिरा हुआ इंसान फिर से उठ सकता है। और जिस दिल में जब्बर सिंह जैसे खूंखार आदमी का दर्द था, वहां वहां तुम्हारा प्यार बसने लगा। और उस प्यार को पाने के लिए तूने मेरी अंजू को जब्बर सिंह जैसे खूनखार आदमी के पास भेज दिया। नहीं, ये झूठ है। मैंने बहुत कुछ किया लेकिन अंजू के अगवा में मेरा कोई हाथ नहीं। जी तो चाहता है तुम्हारी बोटी बोटी करके गांव के कुत्तों को डाल दूं, लेकिन मैं एक वैश्य के गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। ठाकुर मैं आ गया हूं,
तुम्हारे कब्जे में हूं। अंजू को छोड़ दो। छोड़ दो? हाथ आई हुई ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो? जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है। सुना था डाकू अपने वचन के पक्के होते हैं, औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, और फिर तुम तो ठाकुर हो, तुम्हें अपनी जबान का पास होना चाहिए। कहां का ठाकुर, कैसी जबान? तू जिस जमाने की बात कर रहा है उससे तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है। जब्बर सिंह ने सिर्फ दो ही बातें सीखी हैं, एक मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देना। देख ठाकुर, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारा जो जी चाहे मेरे साथ सलूक कर लो, इस बेचारी से तुम्हारा क्या बैर है? बैर इससे नहीं है, इसकी जालिम जवानी से है। ये रंग, ये रूप, ये जोगन, तुम्हारी कसम ये तो सर से पैर तक नशा ही नशा है। तो जब्बर सिंह का निशाना कभी नहीं चूकता। तेरे लिए मैंने ऐसी मौत सोची है जिसे सुनकर सारा इलाका कांप उठेगा।
जल्दी से भाग जाओ अंजू को लेकर। मैंने इन्हें दारू में ऐसा नशा पिला दिया है कि सुबह तक इनको होश नहीं आएगा। मुन्नी ने हमें बचाकर जबर सिंह से बैर मोल ले लिया है। वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, कभी भी इस गांव में आकर उसकी हत्या करेगा। मैं उसकी रक्षा की विनती करने आई हूँ। फिक्र मत कीजिए, हेडक्वार्टर्स में यहाँ पुलिस चौकी बनाने का हो और हमारे होते हुए जबर सिंह यहाँ कभी नहीं आएगा।
तुम्हारी मदद के लिए कोई भी पुलिस का आदमी यहाँ नहीं आ सकता। हमारी तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है तो सिर्फ उस कुत्ते से जिसने हमें ललकारा है और जिसे तुमने छुपा रखा है। हम तुम्हें 15 मिनट की मोहलत देते हैं, अगर हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो इस गांव की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। याद रखो, अगर 15 मिनट गुजर गए तो तुम्हारी लाशों पे रोने वाला कोई ना होगा। एक काम करो, मुन्नी को जल्दी छुपा दो और मेरी बंदूक ले। ये लो। अब सुनो, घर के तमाम दरवाजे तमाम खिड़कियां बंद रखना, जब तक मेरी आवाज नहीं आए एक भी खिड़की नहीं खुलनी चाहिए। चार्ली कॉलिंग पीटर, चार्ली कॉलिंग पीटर, कम इन चार्ली, ओवर। धोखे से मैं गांव से बाहर आ गया हूँ, डाकू ने पुल को उड़ा दिया है। मुझे डर है इस चाल के बाद कहीं जब्बर सिंह उस गांव पर हमला न कर दे, वहां फौरन मदद पहुंचाई जाए, ओवर। तुम फिर भी डिस्ट्रिक्ट के और पुलिस स्टेशनों से उस गांव के नजदीक हो, वहां जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करो, ओवर। गांव में ऐलान कर दिया गया है ठाकुर। बन गया, चलो बन गया। तुम आओ मेरे साथ। दरवाजों में तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, ये पुस्तिल और कार तुम्हारी क्या मदद करेंगे? तुम पुस्तिल, मदद मांगनी है तो उससे मांगो जो सबकी मदद करता है, पुकारना है तो उसे पुकारो जो सबकी सुनता है। शुरू कर देंगे। जबर सिंह, खबरदार, जज्बाओं के किसी बच्चे मर्द यारों पर हाथ उठाया, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इन गांव वालों से नहीं। हिम्मत है तो आओ वाला से ले जाओ मुझे, मगर इतना याद रखना जितना मौत बनकर तुम इस इलाके पर मंडलाते रहे हो, आज मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हें ललकारता हूं। Thank you.
Thank you.
मामा, हाँ माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ माँ। बाबू ने हमको समझा दिया है कि सरकार से कोई भी अधिकार मांगने से पहले हमें अपना फर्ज पूरा करना है। अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हम खुद अपनी और अपने गांव की रक्षा कर सकते हैं। हमारा गांव हमारे देश का एक टुकड़ा है, वहाँ का हर आदमी औरत बच्चा गांव का सिपाही होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये गाँव जागा है, कल दूसरा जागेगा और परसों सारा देश जाग उठेगा। हर गांव, हर शहर, सारे देश में अमन का राज और अशांति फैलाने वाली हर जमात का वही हाल होगा जो जबर सिंह की जो फैसला ने किया। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है।